सो वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल एंड हम चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉज एंड हमने हर टॉपिक पे क्वेश्चन भी डिस्कस किए भले वो फ्रिक्शन स्प्रिंग्स हो या ट्रांसलेशनल इक्वेवियम सर्कुलर मोशन एंड कनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कुछ जनरल प्रॉब्लम्स लिए थे फ्रॉम दिस चैप्टर एंड इस वीडियो में भी हम कुछ जनरल प्रॉब्लम्स लेने वाले हैं एंड दिस वीडियो वुड बी द लास्ट वीडियो फॉर दिस चैप्टर एंड इस वीडियो के बाद नेक्स्ट ईयर से हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं एंड दिस इज़ द लास्ट डे फॉर दिस ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी टू सो चलो करते हैं इस लास्ट वीडियो को भी स्टार्ट सो लेट्स गो करते हैं शुरू फर्स्ट क्वेश्चन एंड यहां पर कह रहे हैं कि द टेंशन इन वॉयलिन स्ट्रेंक इज टू पॉइंट सेवन न्यूटन वेन पुश्ड डाउन अगेंस्ट द नेक ऑफ द वॉयिन द स्ट्रेंक मेक्स एन एंगल फोर पॉइंट वन डिग्रीज विदिजोन मतलब आप स्ट्रिंक को अगर आप पुश करते डाउनवर्ड में तो जो टेंशन प्रोड्यूस होती है वॉयलेंट के स्ट्रिंग में वो 2.7 न्यूटन होती है और जो एंगल इट मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल इज 4.1 डिग्रीज तो आपको पिक्चराइज करके दिखाया दूँ एक्चुअल में हो क्या रहा है तो अगर मैं जैसे स्ट्रिंग को देखूँ तो ये स्ट्रिंग कुछ ऐसे हो जाता है वॉयलेंट की स्ट्रिंग एंड ये जो एंगल है विद द हॉरिजॉन्टल दैट इट मेक्स इज 4.1 डिग्रीज पे भी 4.1 है इधर भी 4.1 है और हमें निकालना है कि हम कितनी फोर्स यहां पे अप्लाई करें नीचे कि इस यहां पे जो स्ट्रिंग में जो टेंशन है इधर भी सेम टेंशन है टी इसका वैल्यू हो जाए 2.7 न्यूटन तो ये है क्वेश्चन एंड ए पार्ट में वही हमें फोर्स एफ निकालनी है बी पार्ट हम बाद में देखते हैं पहले ए पार्ट को कंसिडर करते हैं तो चलिए अपवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव वाई ले, ले लेते हैं तो अगर मैं न्यूटन्स के लॉज लगाऊं, पहले मैं एक काम करता मैं यहाँ हूं मैं यहां पे फ्री बॉडी डायग्राम दिखा देता हूं दिस इज पॉइंट मास, यहां पे नीचे लग रहा है ना वही है जो आई में, इधर भी और ये जो एंगल है ये एंगल है फोर पॉइंट वन थीटा ले लेते हैं दोनों साइड थीटा थीटा है. अच्छा इस टाइम पे जो स्ट्रिंग है वो इक्विलिब्रियम पे है तो मैं कह सकता हूं कि नेट फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल्स टू डायरेक्शन में डाउनवर्ड डायरेक्शन सो माइनस ले लेते हैं माइनस एफ इज इक्वल्स टू जीरो यहां से जो अप्लाइड फोर्स एफ का जो मैग्नीट्यूड आएगा दैट वुड बी टू टी साइन थीटा अब वैल्यूज पुट कर देते हैं आंसर निकाल लेंगे तो टू टाइम्स टी इज टू पॉइंट सेवन साइन थीटा इज फोर पॉइंट वन डिग्री यहां से आप सॉल्व करोगे तो एफ की वैल्यू आ जाने वाली है जीरो पॉइंट थ्री नाइन न्यूटन सो दिस इज द आंसर फॉर द ए पार्ट और नेक्स्ट कह रहे हैं कि अगर हम थीटा को हम लेस रखें मतलब फोर पॉइंट वन डिग्री से कम रखें तो वट वुड द रिक्वायर्ड फोर्स बी ग्रेटर देन लेस देन और सेम एज इन पार्ट ए तो देखो यार अगर आप थीटा की वैल्यू कम करते हो थीटा की वैल्यू कम करते हो इसका मतलब आप साइन थीटा भी कम कर रहे हो और साइन थीटा कम हो रहा है इसका मतलब एफ भी कम हो रहा है तो बी पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा जो रिक्वायर्ड फोर्स होगी वो डिक्रीज हो जाएगी तो दैट वुड बी वी कैन से लेस देन पार्ट ए तो ये है आंसर पार्ट बी का सो so ये है नेक्स्ट क्वेश्चन एंड यहां पे कह रहे एज योर प्लेन सर्कल एंड एयरपोर्ट इट मूव इन हॉरिजोटल सर्कल ऑफ रेडियस ट्वेंटी थ्री हंड्रेड मीटर मतलब जब ये टर्न लेती है एयरप्लेन तो वो जो रेडियस है वो, uh, का, वो है ट्वेंटी थ्री हंड्रेड मीटर एंड जिस स्पीड से वो टर्न ले रही है वो है थ्री नाइन्टी किलोमीटर पर आवर और नेक्स्ट हमें कह रहे कि जो लिफ्ट फोर्स है एयरप्लेन की वो पर्पेंडिकुलर है टू द विंग्स मतलब लिफ्ट फोर्स देखूं तो मैं ये डायरेक्शन है पर्पेंडिकुलर टू द विंग्स ऐसे परपेंडिकुलर है विंग्स के ऐसे और और हमें ये बताना है व्हाट एंगल शुड द प्लेन बी बैंक्ड सो दैट इट डज नॉट टेंड्स टू स्लिप साइडवेज मतलब स्लिपिंग ना हो बेसिकली तो क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है देखो मैं इसका फ्री बोरे डायग्राम बना लेता हूँ तो अगर मैं इसको पॉइंट मास मान लू जो कि हमेशा करते आए हैं अब देखिए ग्रेविटी फोर्स तो नीचे लगेगी वर्टिकली डाउनवर्ड एम और जो ये अपना लिफ्ट फोर्स है दिस इज परपेंडिकुलर टू तो द विंग्स तो मतलब ये इस डायरेक्शन में होंगे दिस इज द द लिफ्ट फोर्स परपेंडिकुलर टू विंग्स एंड ये एंगल ही बैंकिंग की गई है ये एंगल है थीटा तो ये हमें निकालना है और ये टर्न ले रही है ऐसे ऐसे गोल सर्कल में ऐसे टर्न ले रही है राइट एंड हमें ये मालूम है किसी भी बॉडी को अगर टर्न करना है उसके ऊपर सेंट्रल पिटल फोर्स लग रही होगी जिसका मैग्नीट्यूड होता है एम वी स्क्वायर बाई आर अभी कोई ना कोई इसको प्रोवाइड करेगा इस केस में लिफ्ट फोर्स का एक कॉम्पोनेंट इसको प्रोवाइड करेगा अगर इतनी फोर्स ये प्रोवाइड नहीं कर पाता है तो ये स्लिप कर दी अदरवाइज वो स्लिप नहीं करेगी तो अगर मैं इसका कॉम्पोनेंट देखूं लिफ्ट फोर्स का इन दिस डायरेक्शन दिस इज एफ एल साइन थीटा एंड परपेंडिकुलर देखूं तो ये हो जाएगा एफ एल को थीटा बोल दो यार यही होगा कॉम्पोनेट अब जो ये वाला जो कॉम्पोन होगा ये प्रोवाइड करेगा हमारे पास सेंट्रल पिटल फोर्स तो मैं मैं लिख सकता हूं हूं बेसिकली क्या कर रहा हूं? कि सिग्मा एफ एक्स ये डायरेक्शन मैंने एक्स ले ली है ये डायरेक्शन अपने वाई ले ली है तो सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स टू तो एम ए एक्स यही तो मैं लिख रहा हूं और एम ए एक्स बेसिकली क्या है एम वी स्क्वायर बाय आर क्योंकि यहां पे ए एक्स क्या है सेंट्रल पिटल अक्सर ये हो गया एक्स डायरेक्शन में केवल यही फोर्स है तो मतलब यही प्रोवाइड करेगा तो मैं डायरेक्टली भी लिख सकता था कि एफ एल साइन थीटा दिस इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर अब देखो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है तो जो वर्टिकल फोर्सेस जो होंगी वो बैलेंस्ड होंगी तो मैं लिख सकता हूं कि एफ एल को साइन थीटा इज एम जी तो यहां दिस लेट दिस बी फर्स्ट इक्वेशन सेकंड में लिख सकता हूं कि एफ एल को साइन थीटा दिस इज इक्वल्स टू एम जी सो लेट दिस बी द सेकेंड इक्वेशन अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर लूँ तो अपने को क्या मिलेगा देख लेते हैं इस एफ एल को साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम जी और दोनों को मैं कर देता हूँ डिवाइड एफ एल एफ एल कटेगा साइन थीटा बाई कोसाइन थीटा इज टेंजेंट थीटा एम से एम कटेगा ये हो जाएगा वी ओवर आर जी तो यहां से जो थीटा का एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा टेंजेंट इनवर्स वी ओवर आर जी तो बस v हमें पता है r हमें पता है और g तो स्टैंडर्ड होता ही है बट एक चीज v जो हमें किलोमीटर पर आवर में दे रखा है इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो थीटा दिस वुड बी इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स v स्क्वायर तो 390 तो, किलोमीटर पर आवर है तो किलोमीटर को कन्वर्ट करने के लिए थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर दे दो मीटर में और आवर को कन्वर्ट करने के लिए थ्री सिक्स डबल जीरो से तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड तो इसका है होल स्क्वायर ठीक है दिस होल डिवाइडेड विद आर जी आर है हमारे पास टू थ्री डबल जीरो मीटर जी तो होता ही है स्टैंडर्ड नाइन पॉइंट एट वन अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा थीटा टू बी इक्वल्स टू ट्वेंटी एट डिग्रीज थीटा दिस वुड बी इक्वल्स टू ट्वेंटी एट डिग्रीज तो इतनी बैंकिंग हमें करनी पड़ेगी कि वो स्लिप uh, ना करे साइड में सो so, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन एंड यहाँ पे कह रहे हैं कि अपने पास ये दो के का बॉक्स है दैट रेस्ट ऑन एन प्लैंक ये है प्लैंक दैट इज इनक्लाइन एट एन एंगल 65 फाइव डिग्रीज द दॉरिजॉन्टल और जो अपर एंड है इस प्लैंक का उस पर यह स्प्रिंग कनेक्ट की गई है और स्प्रिंग का जो दूसरा एंड है वो इस बॉक्स से कनेक्टेड है और जो के की वैल्यू है स्प्रिंग कॉन्स्टेंट बोल लो या फोर्स कॉन्स्टेंट इसकी वैल्यू है थ्री सिक्सटी न्यूटन पर मीटर नाउ हमें दे रखा है कि कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स बॉक्स और इस प्लैंक के बीच में जो म्यू एस है इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 0.22 और हमें ये निकालना है कि व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्प्रिंग कैन बी स्ट्रेच एंड द बॉक्स रिमेंस एट द रेस्ट मतलब ये कितनी स्ट्रेच हो जाएगी जिसके बाद ये बॉक्स रेस्ट पर आ जाएगा इनिशियली बॉक्स नीचे ऐसे जा रहा होगा जब बिल्कुल जब इसे कनेक्ट किया होगा यहां पर तो ये स्प्रिंग कुछ एक्सपैंड करेगी लेट दिस डिस्टेंस भी एक्स और यहाँ पे जाने के बाद ये इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा तो हमें बताना कि कितनी एक्सपैंड हुई और जब जाके ये जो बॉक्स है वो रेस्ट पे आया तो हम बेसिकली क्या करेंगे दिस इज क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्सेज जो इस बॉक्स पे लग रही हैं वो दैट इज इक्वल्स टू जीरो इधर इन द एक्स और इन द वाई डायरेक्शन तो ये डायरेक्शन अपन ले लेते हैं पॉजिटिव एक्स और ये ले लेते हैं पॉजिटिव वाई करेक्ट तो इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम दिखा देता हूँ यहाँ पे तो ये है अपने पास थीटा जो कि हमें दे रखा है 65 डिग्रीज राइट right? इसके ऊपर रखा हुआ है ये बॉक्स सो दिस इज द बॉक्स इसको अपन हमेशा क्या मानते हैं पॉइंट मास अभी तक तो यही मानते आए हैं और यही मानते रहेंगे जब तक हम रोटेशनल मोशन में नहीं जाते हैं ओके okay, उसके बाद ये है नीचे इसका ग्रेविटी लगेगी एम और एन लगेगा नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर टू द दर्फेस दिस इज एन अच्छा स्प्रिंग फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में दिस इज द अप्लाइड फोर्स बाय द स्प्रिंग इन दिस डायरेक्शन अच्छा यहाँ पे एक डाउट बहुत तगड़ा आता है कि फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा डाउनवर्ड में कि अपवर्ड में देखो यहाँ पे अप्लाइड फोर्स जो है ना अपवर्ड डायरेक्शन में मतलब स्प्रिंग चाहती है कि बॉक्स ऊपर आए तो फ्रिक्शन क्या चाहेगा कि बॉक्स नीचे आए तो ये लगेगा इस तरफ इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा इस डायरेक्शन में दिस इज फ्रिक्शन एफ एस ये स्प्रिंग फोर्स है तो मैं इसको एफ एस पी लिख देता हूँ ठीक है अच्छा अब मैं कंपोनेंट बना लेता हूं एमजी के तो देखो तो तो ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होना चाहिए तो ये कंपोनेंट हो जाएगा एमजी कोसाइन थीटा और ये कंपोनेंट आएगा एक इधर एमजी साइन थीटा करेक्ट एंड नेट फोर्सेज हैं जो वाई डायरेक्शन दैट शुड भी इक्वल्स टू जीरो एंड द नेट फोर्सेज इन द एक्स डायरेक्शन दैट शुड भी इक्वल्स टू जीरो क्योंकि जो बॉक्स है हम चाहते हैं कि वो रेस्ट पे रहे इसलिए नेट फोर्सेज एक्स एंड वाई डायरेक्शन में जीरो हैं अच्छा ये डायरेक्शन अपने को पॉजिटिव एक्स ले रखी है तो जितनी भी इधर जो डायरेक्शन इधर जो फोर्सेज लग रही है उनको हम पॉजिटिव लेंगे तो प्लस एफ एस पी बाकी तो कोई है नहीं बाकी तो नीचे की तरफ लग रही है, तो माइनस एम जी साइन थिएटर माइनस स्टैटिक फ्रिक्शन दिस इज इक्वल्स टू जीरो अच्छा स्प्रिंग फोर्स तो हमें पता है के टाइम्स एक्स होता है नो डाउट माइनस एम जी साइन थीटा अब जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है तो उसका एक्सप्रेशन तो हमें मालूम है दिस इज म्यू एस टाइम्स एन म्यू एस मल्टीप्लाइड विद एन अच्छा इसके इसमें जो एन होगा वो किसके बराबर होगा एम जी कॉस थीटा क्योंकि वर्टिकल में कोई मोशन है नहीं तो एन शुड बी इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, दिस इज म्यू एस एम जी को साइन थीटा तो अगर मैं यहाँ पर रिप्लेस करता एफ एस की वैल्यू तो म्यू एस एम जी को साइन थीटा एंड दैट शुड बी बीस टू जीरो तो यहाँ से जो एक्स uh, का जो एक्सप्रेशन आएगा दिस वुड बी इक्वल्स टू मैं इन दोनों को राइट साइड ले जाता हूं तो एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एस एम जी को थीटा डिवाइड बाय के तो ये आएगा एक्सप्रेशन अब कुछ नहीं है अब तो values put कर दो मास हमें एक काम करते हैं एम ले लेते हैं कॉमन थोड़ा इजी पड़ जाएगा एम जी ओवर के यहाँ आ गया ये हो जाएगा साइन थिएटर प्लस म्यू एस को साइन थिएटर अब करते हैं वैल्यू पुट मास हमें दे रखा है टू के जी जी तो स्टैंडर्ड होता है नाइन पॉइंट एट वन के तो है हमें दे रखा है थ्री सिक्सटी न्यूटन पर मीटर लकुलेटर और हमें एक्स की जो वैल्यू निकल के आएगी वो मीटर में निकल के आएगी एंड दैट वुड भी जीरो पॉइंट जीरो फाइव फोर मीटर क्योंकि जितने भी वैल्यूज हमने ऐसा यूनिट SI में पुट किए तो वैल्यूज भी जो रिजल्ट भी आएगा वो भी ऐसा SI यूनिट में ही आएगा अगर आप इसको सेंटीमीटर में लिखोगे तो यह आ जाएगा फाइव पॉइंट फोर सेंटीमीटर तो जितनी ये स्प्रिंग एक्सपैंड हुई है फ्रॉम इट्स ओरिजिनल मीन पोजीशन तो वो हुई है 5.4 सेंटीमीटर तब जाके जो ये बॉक्स जो है रेस्ट पे आ गया दिस डिस्टेंस इज 5.4 सेंटीमीटर तो ये सो so, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे कह रहे क्या हॉकी पग ऑफ मास एम ये है इट इज अटैच टू दिस स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग नीचे जाके इस ब्लॉक से कनेक्टेड है ऑफ मास एम अब जो ये जो पग है ये ऐसे सर्कुलर मोशन में है विथ वेलोसिटी वी और जो ये रेडियस है सर्कल का वो हमें दे रखा है आर अब हमें ये बताना है कि वट स्पीड मस्ट द हॉकी पग हैव इफ द मास मासम इज टू रिमेन एट रेस्ट देखो हमें बताना है कि ये जो मास एम है ये कितने स्पीड से रिवॉल्व करे कि जो ये वाला जो ब्लॉक है ये रेस्ट पे रहे और हम ये मान सकते हैं कि जो सरफेस है ये टेबल पे जिस पे ये पग सर्कुलर मोशन में वो है वो परफेक्टली स्मूथ है। ओके। तो देखो क्वेश्चन तो इजी है ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए देखो तो यहां पे जब ये सर्कुलर मोशन में है तो इसपे लग रही होगी सेंट्रपिटल फोर्स जो कि प्रोवाइड करेगी ये टेंशन स्ट्रिंग की टेंशन टी तो हम ये लिख सकते हैं कि जो टी दैट शुड बी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर साथ में हम ये चाहते हैं कि जो ये ब्लॉक है ये रेस्ट पे रहे इसका मतलब इस पे जो नेट फोर्सेस लग रही हैं वो दैट शुड बी इक्वल्स टू जीरो ऊपर तो लग रही है टेंशन टी और नीचे क्या लग रहेगा इसका वेट एम जी कैपिटल एम जी तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि टी शुड बी इक्वल्स टू कैपिटल एम जी एंड बेसिकली दोनों टी तो इक्वल ही है क्योंकि स्ट्रिंग तो एक ही है तो इन दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूं कि कैपिटल एम जी दिस शुड बी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर तो यहां से जो, जो v so का जो एक्सप्रेशन आएगा दैट विल अंडर रूट एम आर जी डिवाइड परफेक्टली स्मूथ ना होता आप खुद से इसको ट्राई करना कि आप यू कैन टेक जो क्विफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है इट बी म्यू के तो उस केस में v की वैल्यू कितनी आएगी ये आप खुद से ट्राई करना एंड कमेंट बी इन द कमेंट बॉक्स बिलो सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कह रहे हैं कि अ बॉक्स इज प्लेसड ऑन अ कन्वेयर बेल्ट दैट मूव्स विद स्पीड ऑफ वन पॉइंट टू फाइव मीटर पर सेकेंड मान लीजिए कन्वेयर बेल्ट है ये बेसिकली ऐसे होती है ये टर्न ले रही है विद सम ऐसे घूम रही है बेसिकली एंड इसकी जो वेलासिटी है वो हमें दे रखी है वन पॉइंट टू फाइव मीटर पर सेकेंड दिस इज द कन्वेयर बेल्ट और ये सरफेस है इसके ऊपर अपन एक बॉक्स रखते हैं ठीक है एंड द कोफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द बेल्ट म्यू के जो हमें दे रखा है दिस इज जीरो पॉइंट सेवन एट जीरो हमें ये बताना है दो पार्ट है ए पार्ट में हमें ये बताना है हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर द बॉक्स टू स्टॉप स्लाइडिंग रिलेटिव टू द बेल्ट देखो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं या तो हम बाहर ग्राउंड पे बैठ के इस पूरे सिनेरियो को देखें क्या हो रहा है या दूसरा हम खुद इस कन्वेयर बेल्ट पे बैठ जाएं और फिर देखें क्या हो रहा है देखो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है ये बेल्ट तो भले ही आप यहां बैठ के देखो या यहाँ बैठ के देखो दोनों ही इनर्शियल फ्रेम है और दोनों में ही हम न्यूटन के लोज ईजिली लगा सकते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम यहाँ पर है नहीं क्योंकि ये बेल्ट एग्जरेट नहीं कर रही है तो पहली बात तो ये तो इस क्वेश्चन को हम लोग एक काम करते हैं इस बेल्ट के ऊपर बैठ के मतलब आप इस, उपर, इस में जाके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले तो पहले कुछ स्लिप करेगा ये इस डायरेक्शन में स्लिप करेगा एंड देन कुछ पॉइंट पे, पे आके रुक जाएगा अब हमें यही बताना है कि वो कितनी देर बाद वो रुका मतलब ये कितना टाइम लगा उसको स्लिप करने के बाद यहां जाकर रुका ये हमें निकालना है तो फाइनल वेलोसिटी जो होगी रिलेटिव टू द बेल्ट दिस वुड बी जीरो सॉरी दिस इज वी एफ जो होगी वो जीरो हो जाएगी इनिशियल जो वेलोसिटी होगी वो 1.25 मीटर पर सेकंड रहेगी दिस इज रिलेटिव टू द बेल्ट यह चीज क्लियर होनी चाहिए अच्छा मोशन जब इनिशियल जब उसका मोशन जब वो स्लिप कर रहा था बॉडी तो इस तरफ था मोशन तो फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा पीछे की तरफ कौन सा फ्रिक्शन लगेगा काइनेटिक यार मोशन में है बोरी तो काइनेटिक ही लगेगा एफ के अगर मैं यहाँ पे न्यूट्रंस के लॉज लगाऊं इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन लेट दिस पॉजिटिव एक्स तो मैं लिख सकता हूँ कि नेट फोर्सेस इन द एक्स डायरेक्शन दैट शुड बी इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन यही तो हमने पढ़ा था फ्रॉम द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अच्छा एक्स डायरेक्शन में केवल एक ही फोर्स है वो है काइनेटिक फ्रिक्शन दैट टू ऑपोजिट टू द पॉजिटिव एक्स तो मैं लिख सकता हूँ माइनस एफ के that should be equals to mass times acceleration is let it be a अच्छा f के हमें पता है ये होता है क्या mu k multiplied with n and in this case में जो normal force है that should be balanced by the gravity force mg so n जो होगा वो mg के बराबर हो जाएगा so mu k mg हो जाएगा basically तो so, मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि minus mu k mg that should be equals to mass times acceleration यहाँ से m और m तो कट जाएगा और जो ए का जो एक्सप्रेशन आएगा वो माइनस म्यू के जी आ जाएगा अच्छा तो नेगेटिव साइन यहां पे क्या नोट कर रहा है कि जो जो ब्लॉक है ये डी एक्सेलरेट कर रहा है तो वो कर भी रहा है क्योंकि यहां पे आने के बाद रुक रुक रहा रहा है है पा यहाँ पे ओके तो ये चीज क्लियर हो गया अच्छा अब यहां से हम क्वेश्चन थोड़ा इजी पड़ जाता है अब हम इक्वेशंस ऑफ द काइनामेटिक इक्वेशन जो हमने सीजन वन में पढ़ी थी वहां से हम लोग टाइम आराम से निकाल लेंगे कब वो जाके बॉडी रुकेगी तो वी क्वल्स टू यू प्लस एटी ये पढ़ के आए हैं ओके फाइनल जो वेलोसिटी है वो तो हो जाती है जीरो इनिशियल जो वेलोसिटी है वो 1.25 मीटर पर सेकंड है एंड एक्सेलरेशन है ये माइनस म्यू के जी तो अच्छा एक काम करते हैं इसकी वैल्यू पुट करके निकाल ही लेते हैं माइनस म्यू के हमें दे रखा है जीरो पॉइंट सेवन एट सो दिस इज जीरो पॉइंट सेवन एट मल्टीप्लाइड विद जी इज नाइन पॉइंट एट वन तो मैं यहां पुट कर देता हूँ ये वैल्यू हुई दिस इज जीरो पॉइंट सेवन एट मल्टीप्लाइड विद नाइन पॉइंट एट वन एंड देन टी तो यहाँ से हम टी की एक्सप्रेशन आराम से निकाल देंगे सो टी वुड बी इक्वल्स टू अगर मैं इसको इधर ले जाऊँ तो नेगेटिव वन पॉइंट टू फाइव और इसको मैं इधर ले जाऊँ तो माइनस जीरो पॉइंट सेवन एट मल्टीप्लाइड विद नाइन पॉइंट एट वन माइनस माइनस हो जाएगा प्लस तो यहाँ से जो टाइम की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी जीरो पॉइंट वन सिक्स थ्री सेकेंड्स तो मतलब इतने सेकेंड के बाद वो ब्लॉक जो है वो रुक जाने वाला है ओके फाइन दैट वुड बी द आंसर फॉर द ए पार्ट नेक्स्ट इन द बी पार्ट इट से हाउ फार डज द बॉक्स मूव इन दिस टाइम तो इतने टाइम पीरियड में वो कितना मूव कर जाएगा देखो दो तरीके हैं निकालने के या तो आप ये यूज कर लो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी बेसिकली एस ये हम इक्वेशन पढ़ के आए हैं पीछे या फिर आप एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं वो थोड़ा ईजी रहेगा यहाँ पे देखो एवरेज वेलोसिटी हमें पता है क्या होती है वेलोसिटी क्या होती है इनिशियल वेलोसिटी प्लस द फाइनल वेलोसिटी और डिस्टेंस क्या कवर होगा जो डेल्टा डिस्टेंस कवर करेगी वो कितने होगा एवरेज विलॉसिटी मल्टीप्लाइड विद टाइम ये तो होता है एवरेज वी वन ओवर टू वी नॉट प्लस वी एफ विद टाइम टाइम हम निकाल चुके हैं तो वन ओवर टू इनिशियल जो उसकी वेलोसिटी थी वेलोसिटी जो है वो जीरो है, है, तो से जो डिस्टेंस कवर्ड आएगा वो आएगा जीरो मीटर तो ये है आंसर बी पार्ट का अच्छा अगर आप कहते कि यार ठीक है आपने ये इसको आपने यहां बैठ के देखा तब आपने क्वेश्चन सोल्व किया अगर मैं इसको यहां ग्राउंड पे बैठ के देखू तब क्या तब क्या फर्क पड़ेगा चीजें आंसर वही रहेगा उतने ही टाइम में रुकेगा तब भी लेकिन यहां पे क्या लगेगा कि आपने जो डिस्टेंस जो कवर किया है ये मतलब जो अगर आप ग्राउंड पे बैठ के देखो और अगर आप कन्वेयर बेल्ट पे बैठ के देखोगे तो कन्वेयर बेल्ट पे आपको ये लगेगा कि जो डिस्टेंस जो कवर किया गया वो इस डायरेक्शन में किया गया है और अगर ग्राउंड पे बैठ के देखोगे तो आपको लगेगा कि डिस्टेंस ऐसे कवर किया मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट डायरेक्शन चेंज रहेगी वो कुछ इस तरीके से मान लीजिए कि आप जैसे ट्रेन में बैठ के आप पेड़ को देखते हो तो आपको लगता है पेड़ पीछे जा रहा है बट बाहर ग्राउंड पे बैठ के ट्रेन को देखते हो तो ट्रेन आगे जा रही है तो वही चक्कर है तो आप ग्राउंड पे बैठ के देखोगे तो लगेगा इधर जा रहा है आप कन्वेयर बेल्ट पर देखोगे तो जाएगा इधर लेकिन डिस्टेंस सेम चलेगा तो ये फर्क पड़ेगा बाकी आंसर विल रिमेन द सेम आई होप क्या कोई क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सो so, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली एक पैसेज है इसके ऊपर बेस्ड तीन क्वेश्चन हमें सॉल्व करने तो पहले एक बार पैसेज देख लेते हैं और दो फिगर्स भी हमें दी हुई ओके तो दिस पैसेज इज बेस्ड ऑन नेजल नेजल स्ट्रिप्स स्ट्रिप्स एंड के ऊपर हमने डिस्कस भी किया था जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वो चेक भी कर सकते हो अच्छा यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि नेजल स्ट्रिप्स का, का काफी मेडिकल में काफी यूज है जैसे पहला की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जो लोगों को होती है वो नेजल स्ट्रिप्स से हम काफ़ी हद तक सॉल्व कर देते हैं जैसे कि रात को सो सोते अक्सर लोगों को खराटों की दिक्कत होती है तो वो नेजल स्ट्रिप्स से हम लोग वो कम कर सकते हैं यहाँ पे डेंटिस्ट को भी काफ़ी फ़ायदा होता है नेजल स्ट्रिप्स से ताकि जब वो डेंटिस्ट अपना काम कर रहे होते हैं अपना आ, आ, क्या बोलते हैं उसको ऑपरेशन कर रहे होते हैं तो पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत ना आए इसलिए वो उसके नाक पे लगा देते हैं नेजल स्ट्रिप्स तो ताकि तो ये काफी इसके मेडिकल एडवांटेज है तो ये मेडिकल परपस में तो ठीक है अच्छा अब हम इस पर अपना फिजिक्स में इसमें पॉइंट ऑफ व्यू क्या है तो वो कह रहे हैं कि देखो नेजल बेसिकली है क्या इट इज अ स्प्रिंग अब स्प्रिंग है तो मतलब हुक्स पे चल रहा होगा अच्छा बाय एडहेसिव टेप कवरिंग तो बस यही है नेजल स्ट्रिप एक स्प्रिंग होती है पोलिस्ट्रो स्प्रिंग है उसके साथ अपने ये एडहेसिव टेप लगा देते हैं तो बन जाती है नेजल स्ट्रिप और इसके यूजेस क्या है वो हम देख लेंगे मेडिकल एप्लीकेशन हम देख चुके हैं अच्छा साथ में अब हमें दे रखेंगे हम ज्यादा इस पे वेट लगाएंगे इसके ऊपर स्ट्रिप पे तो बेसिकली ये स्प्रिंग है ये कंप्रेस कर जाएगी तो यहां पे ग्राफ हमें दे रखा है देखो अगर हम जीरो फोर्स लगा रहे हैं अगर हम मास रक, कुछ मास रख रहे मास का मतलब कुछ वेट उस पर डाल रहे हैं तो जब अब जीरो है तो

ऑफ़ द एंड टू एंड डिस्टेंस फ्रॉम फोर्टी टू एम टू ट्वेंटी फोर देखो पहले इस पॉइंट को मैं प्लाट कर देता हूँ जब ट्वेंटी ग्राम जब हम मास्क लगा रहे हैं तो जो लेंथ है स्प्रिंग की वो है फोर्टी टू एम सॉरी अगर मैं इस पॉइंट को देखूं तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास फोर्टी टू एम कॉमा ट्वेंटी ग्राम अब अगर मैं मास्क को इनक्रीज करता हूँ तो जो जो स्प्रिंग है वो हो जाएगी तो यहाँ पे क्या हो गया कि 25 ग्राम है हमने मास लगाया है और जो स्प्रिंग की जो लेंथ है वो हो गई है uh, 24 फोर mm. तो मैं इस पॉइंट को लिख सकता हूँ दिस इज 24 फोर mm, कॉमा 25 ग्राम और हमें निकालना क्या है फोर्स कांस्टेंट इन न्यूटन पर मीटर देखो स्प्रिंग जो फोर्स होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है दिस इज इक्वल्स टू के टाइम्स एक्स और यहाँ से जो के आएगा ये क्या आएगा एफ ओवर एक्स

थीटा देखो टेंजन थीटा इसी को तो बोलते हैं स्लोप टेंजन थीटा से क्या होगा? Uh, अच्छा मतलब हमारे पास स्प्रिंग कॉन्स्टेंट बोल दो यार अच्छा स्लोप हम यहां से निकाल सकते हैं स्लोप हमें पता है क्या होता है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स यही होता है ये हम ले लेते हैं वाई ले ले लेते हैं एक्सेस. तो यहाँ पे डेल्टा वाई कितना ये चेंज कितना हुआ ये दिस इंक्रीज बाय फाइव ग्राम तो मैं लिख देता ग्राम डिवाइड बाय डेल्टा एक्स तो ये कंप्रेस हुआ है तो नेगेटिव आएगा साइन बट क्योंकि हम मैग्नीट्यूड देख रहे हैं स्लोप का हमें पता है स्लोप नेगेटिव आने वाला है बट हम क्योंकि मैग्नीट्यूड देख रहे हैं तो मैं साइन कंसिडर नहीं कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा अपने पास फोर्टी टू माइनस ट्वेंटी फोर एम एम दैट इज इक्वल्स टू एटीन एम एम तो वैल्यू जो हम पुट करेंगे ना वो एसआई यूनिट में पुट करेंगे ताकि जो हमारा जो आंसर आए वो न्यूटन पर मीटर में आए तो इस केस में क्या करें ग्राम को के में कन्वर्ट करने के लिए टेन टू तो द पावर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड एमएम mm को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए फिर से टेन टू दाओ माइनस थ्री से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि ऊपर नीचे कर जाएगा तो बेसिकली मैं लिख सकता हूं कि दिस इज फाइव के जी ओवर एटीन मीटर तो यहां से जो स्लोप अपने पास आएगा इसको एज इट इज रखते हैं और यहां पुट कर देते हैं दे डायरेक्टली ताकि के की वैल्यू यहां से निकल जाए के दिस वुड इक्वल्स टू फाइव ओवर एटीन मल्टीप्लाइड विद जी तो होता है फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड पैसेज अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पैसेज प्रॉब्लम यहां रहे क्या वी हैव टू रैंक द सेगमेंट्स वन टू थ्री इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्टिफनेस ऑफ द नेजल स्ट्रिप स्टिफनेस मतलब कि किसका फोर्स कांस्टेंट ज़्यादा है किसका फोर्स कांस्टेंट कम है ये मतलब 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 ना कंप्रेस होगा ना ही जल्दी से वो एक्सपैंड होगा चल रही है तो अगर मैं इसका देखू ये इस देखूँ तो बेसिकली मैं स्लोप को देखूंगा क्योंकि मैंने अभी पिछली, पिछली में डिस्कस किया था कि जो होता है में यही होता है हमारे पास फोर्स कॉन्स्टेंट के मतलब जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका के की वैल्यू ज्यादा के की वैल्यू ज्यादा मतलब स्टिफनेस ज्यादा ठीक है अच्छा यहां पे अगर मैं इस ग्राफ को देखूं तो जो थर्ड uh, वाला जो इस सेगमेंट है इसका स्लोप सबसे ज्यादा है फर्स्ट वाले का स्लोप Uh, थोड़ा कम है और सेकंड वाले का तो बिल्कुल कम है कहने का मतलब जो सेकंड वाला जो अपने पास सेगमेंट है इसकी स्टिफनेस सबसे कम रहने वाली है उसके बाद आएगा सेगमेंट वन एंड देन लास्ट में आएगा सेगमेंट थ्री सेगमेंट थ्री की जो स्टिफनेस है वो सबसे ज़्यादा है क्योंकि स्लोप इसका सबसे ज़्यादा है सो so, ये है लास्ट प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द पैसेज जो हमने पीछे पढ़ा था यहाँ पे कह रहे हैं कि इन अ यूज़ ऑफ टिपिकल ह्यूमन नोज द एंड टू एंड डिस्टेंस इज मेजर टू बी थर्टी एम एम वट फोर्स डि दिस स्ट्रिप एग्जर्ट्स ऑन द नेजल पैसेज इन दिस सिचुएशन तो आप इस एक्सपेरिमेंट से भी देख सकते हो कि अगर ये थर्टी एम एम हो जाता है तो हम कितना मास लगा रहे हैं इस ग्राफ से देख सकते हैं अगर ये थर्टी एम एम है तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली हम ले लें ट्वेंटी थ्री ग्राम मतलब हमने यहाँ पे वेट कितना रखा होगा ट्वेंटी थ्री ग्राम वेट को देखें तो मल्टीपैड विद जी कर देंगे इतना वेट है तो जो फोर्स इस पर लग रही होगी एम जी के बराबर ये तो होता है That इज इक्वल्स टू द वेट तो मास है 23 ग्राम। अब ग्राम को कन्वर्ट कर लेते हैं के में इतना के और जी की वैल्यू तो होती है स्टैंडर्ड 9.81। पॉइंट एट वन यहां से वैल्यू निकल के आ जाएगी 0.23 न्यूटन तो इतनी जो फोर्स है वो स्ट्रिंग लगा रही होगी नोज पे आपको लग रहा होगा वैल्यू बहुत कम है लेकिन ये इनफ है कि नोज आपकी थोड़ी खुल जाए और जो एयर जो पैसेज है उनको आराम से जो हवा है आपकी नोज में आराम से जा सके और निकल सके तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर है इसी के साथ हमने ऑलमोस्ट मल्टीपल हर टॉपिक पे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं फ्रॉम दिस चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन न्यूट एंड ये चैप्टर हम यही कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट ईयर आज लास्ट डे है इस ईयर का सो so, ये चैप्टर भी हमने कंप्लीट कर दिए है नेक्स्ट ईयर हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी सो अभी के लिए गुड बाय एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस